जरूर मतलब उनको फिल्म में उन्होंने काम दिया है, वो डायरेक्टर भी है प्रोड्यूसर भी है, इसलिए शायद कुछ जो महिलाएं ऐसा बोल रही, ठीक बात है जिनको अच्छा बोलना अच्छा बोलने दो, लेकिन पायल को जो अनुभव आया है गलत अनुभव आया है, इसलिए उन्होंने कंप्लेंट दी है कि उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। मैं अभी अमित शाह जी को भी एक पत्र लिखने वाला हूँ और इनको पूरा प्रोटेक्शन मेरी पार्टी की तरफ से तो रहेगा ही, और जल्दी जल्दी अनुराग ठाकुर अनुराग कश्यप को जल्दी जल्दी खारिज नहीं किया जाएगा, नहीं करेगी तो जरूर मतलब रिपब्लिकन पार्टी पूरे जिले में यहाँ आंदोलन करेगी, तो इसी तरह का हमारा एक संबंध करना है। और अभी पायल जी बोलेगी, बाद में आपको जो सवाल पूछना है तो सवाल पूछ सकते हैं, तो सवाल नहीं करो। सर आपने किन लोगों से मुलाकात की है, किन लोगों से बात की, पुलिस अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई, वो हिंदी में बता दीजिए जरा। हाँ हाँ, तो जो मतलब मैंने आज अभी यहाँ दादा साहब कर्मण दादा साहब गायकवाड़ संस्कृति केंद्र में बैठे बैठे मैंने आधा घंटा तक ज्वाइंट सीपी विश्वनाथ नांगरी पाटिल जी, हमारे इस एरिया के DDCP और पुलिस थाने के सीनियर मिस्टर ठाकुर साहब, इन तीनों से मैंने बात की है और उनको सुरक्षा देने के बारे में उनको बोला है, और जल्दी जल्दी इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। पायल पर अन्याय बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ना किसी पर अन्याय नहीं होना चाहिए, इसकी पूरी जांच करके अनुराग कश्यप जी को जल्दी से अरेस्ट करना चाहिए, इसी तरह की हमने मांग की है। अभी पायल घोष आपके सामने बोलेगी, बाद में जो भी सवाल आपको पूछना है उसको पूछना है, मुझे पूछना है, हम जवाब देंगे। हाँ ठीक है, पायल घोष। नमस्कार, अब मैं आपको सबको बताया है कि मैं मेरे साथ क्या हुआ है, बार बार मुझे बोलना भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैंने अपनी इज्जत दांव पे लगा के, अपना करियर दांव पे लगा के आप सबके सामने आई हूँ और ये बात बोली हूँ, ताकि सिर्फ मेरे साथ जो हुआ वो तो हुआ है, लेकिन और किसी के साथ ऐसा ना हो। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर किसी के साथ भी ऐसा होता है कि डर के, मैं जैसे डर गई थी, आप लोग डरो मत, सामने आओ, बोलो और इसका प्रतिवाद करो और आगे बोलो, अपना जो हक है वो जरूर लेना। थैंक टू रामदास अथवेले जी जो मेरे साथ खड़े हुए हैं, आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम। मेरे लॉयर है, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। आज मुझे, मैं जो साहस जुटा के आपके सामने बोल रही हूँ, ये साहस हर लड़की के साथ होना चाहिए, और वो साहस लेके आपके साथ कुछ भी गलत होता है उसके लिए आवाज उठाओ और सामने आओ, डर के मत बैठे रहो, मेरा एक रिक्वेस्ट है प्लीज। और नहीं, आपने बोला है कि हम आपके पीछे खड़े हुए हैं, हम आपके पीछे खड़े हुए हैं क्योंकि आपके कारण हम बड़े हुए हैं, तो हम भी बड़े आपके कारण ही हुए हैं। और जो सवाल जिसको पूछना है मुझे या पायल को, आप पूछिए। नहीं, डेडलाइन तो अभी 7 दिन हो रहे हैं, तो ऐसे केस में महिलाओं का ज्यादा सुनने का कानून है, अगर कोई महिला बोलती है तो गिरफ्तार कब हो गए पुलिस को मालूम है, लेकिन जल्दी गिरफ्तार होना चाहिए, हमारी मांग है। अभी अल्टीमेटम कितने दिनों का दे रहे हो आप लोग पुलिस को एक्शन लेने के लिए? व्हाट इज द अल्टीमेटम यू आर गिविंग टू ऑफिसर? अल्टीमेटम वी आर गिविंग द अल्टीमेटम विदिन 7 डे इफ द पुलिस विल अरेस्ट मिस्टर अनुराग कश्यप, अदरवाइज आरपी विल स्टार्ट आवर एजिटेशन इन ऑल ऑफ मुंबई। अनुराग कश्यपला कोण वाचवत आहे वगैरे असा काय आमचा आरोप नाही आहे, पण एवढा वेळ लागू नये, आमचं म्हणणं असं आहे की कुठल्याही महिलेवर असा बलात्कार झाला आणि तिनं कंप्लेंट केली, 2-3 दिवसामध्ये आरोपीला तो कुठे पळून गेला, तरी त्याला ताबडतोब पकडण्याची पद्धती म्हणा किंवा तेवढी पोलिसांमध्ये हिंमत असते, पण या प्रकरणामध्ये 7 दिवस होत आले तरी सुद्धा अजूनही मॅजिस्ट्रेट समोर स्टेटमेंट पाहिलं सगळं घेतलं नाही आहे, आणि अद्याप अनुराग कश्यपला अटक केलेली नाही, त्यामुळे थोडा वेळ जातो आहे असं आमचं म्हणणं आहे, आणि म्हणून आपण अनिल देशमुख यांच्याशी बोलणार आहे, आणि कुणावर अन्याय करण्याची भूमिका आमची अजिबात नाही, अनुराग कश्यपवर अन्याय करण्याची भूमिका आमची अजिबात नाही, पण अनुराग कश्यप दोषी असेल आणि ज्या अर्थी पायल घोषने कंप्लेंट केलेली आहे त्या अर्थी तो दोषी आहेत,
आणि त्यांच्यावर कारवाई होणं अत्यंत आवश्यक आहे. तो मतलब अनिल देशमुख जी को पार्टी का डिपुटेशन हमारे अभिनंदन महते जी के नेतृत्व में मिलेगा और मैं भी एक पत्र दे दूंगा. और पुलिस थोड़ी सी बहुत स्लो इंक्वायरी कर रही है, या किसी की बाजू लेने का विषय नहीं है. पायल ने जब अपनी इज्जत दाव पे रखकर जब कंप्लेंट की है तो वो सही कंप्लेंट है, ऐसा हमारा मानना है. और इसीलिए अनुराग कश्यप जी पर कार्रवाई होनी चाहिए. तो एक डेपुटेशन हमारा एक दो दिन में अनिल देशमुख जी को मिलेगा, उनको मेमोरेंडम देंगे, उसमें पायल की सुरक्षा की मांग की जाएगी. और सुरक्षा नहीं मिलेगी और उसका कुछ उल्टा सीधा होता है तो उसके लिए महाराष्ट्र सरकार जिम्मेदार होगी. इसी तरह का हमारा आरोप होगा. तो इसी तरह मतलब अनिल देशमुख जी को दो दिन के अंदर मिलेगी. सर, क्या पायल के बयान का भरोसा नहीं है पुलिस को, इसलिए मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है, ऐसा लगता है आपको? नहीं, मुझे लगता है कि पुलिस को भरोसा होता है, लेकिन ऐसे केस में मजिस्ट्रेट के सामने भी इसका स्टेटमेंट होता है. आज ये लेटर दे दिया है, ये हमारे सातपुते जी इनके एडवोकेट है, वकील है, और ये भी मतलब वहाँ पूरा काम देख रहे हैं. तो मुझे लगता है कि मैजिस्ट्रेट के सामने भी स्टेटमेंट होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा देर हो रही है. अनुराग कश्यप जी मुंबई में है, वो कोई भाग कर नहीं गए हैं. अगर वो मुंबई में है तो उनको जल्दी मतलब अभी तक उनको स्टेटमेंट के लेने के लिए बुलाना चाहिए था, लेकिन अभी तक पुलिस ने नहीं बुलाया है. तो पुलिस क्यों देर कर रही है, ये मेरा पुलिस को सवाल है. अभी पुलिस पर पॉलिटिकल प्रेशर है क्या नहीं मालूम नहीं है, लेकिन अभी जब हमारी सरकार आएगी तब हमको मालूम होगा. आठवले साहब, काल संजय राऊत आणि देवेंद्र फडणवीसांची भेट झाली, संजय राऊत आणि देवेंद्र फडणवीसांची, तुम्ही काहीतरी एक प्रस्ताव दिलाय आता थोडा, तुम्ही बातमी चर्चेत आहे, 50-50 काय प्रस्ताव आहे तुमचा? आता बघ, देवेंद्र फडणवीस आणि संजय राऊत हे दोघे माझे चांगले मित्र आहेत आणि दोघांची भेट जवळजवळ 2 तास झाली अशा पद्धतीची माहिती मला आहे. पण दोघे म्हणतायत की आमची चर्चा पॉलिटिकल झाली नाही आहे. पॉलिटिकल हो की नाही हो, पण माझं शिवसेनेला नम्र निवेदन आहे की बाळासाहेब माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांचं स्वप्न साकार करायचं असेल तर पुन्हा एकदा शिवशक्ती भीमशक्ती एकत्र आली पाहिजे आणि भाजप शिवसेना आणि आरपीआय आपण एकत्र आलं पाहिजे. त्यामुळं काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या सरकारचा पाठिंबा शिवसेनेने काढावा आणि बीजेपी सोबत आरपीआय सोबत यावं अशा पद्धतीचं आमचं त्यांना नम्र विनंती आहे. आणि जर कदाचित त्याच्यामध्ये दोघांची काही चर्चा झाली मला माहीत नाही आहे, पण चर्चा काही हो पण पुन्हा चर्चा सुरू व्हावी अशा पद्धतीची माझी इच्छा आहे. मतलब जिस तरह मतलब माननीय माजी मुख्यमंत्री और विरोधी पक्षनेता महाराष्ट्र के विधिमंडल के देवेंद्र फडणवीस जी को संजय राऊत जी जो शिवसेना के प्रवक्ता भी है, नेता भी है और पत्रकार भी है, सामना के एडिटर भी है, और उन्होंने मतलब 2 घंटा तक उनके साथ बात की है, लेकिन दोनों भी नहीं मान्य कर रहे कि भाई हमारी पॉलिटिकल चर्चा हुई है. तो मेरा मानना है कि उनकी पॉलिटिकल चर्चा हो या सामाजिक चर्चा हो, लेकिन मेरा सुझाव ये है, प्रस्ताव ये है कि शिवसेना ने दोबारा मतलब बीजेपी के साथ आना चाहिए और एक साल भर उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री पद पर रहना चाहिए. बाद वाले 3 साल जो है 3 साल देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए और दिल्ली में भी मतलब 1 या 2 मंत्री पद उनको मिलने के बारे में भी चर्चा हो सकती है. मैं और सत्ता में अच्छी भागीदारी शिवसेना को मिलेगी और शिवसेना ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी के चक्रव्यूह में नहीं अटकना चाहिए, उन्होंने हमारे साथ आना चाहिए. महाराष्ट्र में ऐसा इसलिए हो रहा है, हमारी सरकार नहीं है, ये सरकार जो है ये सरकार मतलब ठीक नहीं चल रही है. सरकार कब गिर जाएगी मालूम नहीं है. मैंने बोला था कि गणेश उत्सव के बाद ही इसका विसर्जन होगा, लेकिन और थोड़ा सा टाइम लगेगा. लेकिन ठीक बात है, सरकार विसर्जन तुम्हारा
सरकारचं विसर्जन कधी होणार याच्यासाठी मला देवेंद्र फडणवीस आणि संजय राऊतने बोलावं लागेल. भेटणार आहात का? आता इकडे संजय राऊत देवेंद्र फडणवीसला भेटल्याबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आणि ताबडतोब माननीय शरद पवारजी आणि हे यांना भेटले तर या आपल्या उद्धव माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजींना भेटले आणि उद्धवजींनी हेच सांगितलं की असं काही होणार नाही, सरकार आपलं 5 वर्ष टिकेल, सरकार तुमचं 5 वर्ष टिकेल की आमचं 5 वर्ष टिकेल बघूया. परंतु त्या ठिकाणी अशा पद्धतीनं जो प्रकार झालेला आहे, एक तर शिवसेना जर आमच्यासोबत आली नाही तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला आमचं निमंत्रण आहे की शरद पवार आणि NDA मध्ये यावं. मी मागे एकदा म्हणालो होतो की महाराष्ट्राच्या विकासासाठी, देशाच्या विकासासाठी, शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी शरद पवार साहेबांनी असा निर्णय घ्यावा आणि माझी आणि त्यांची दोस्ती एवढी आहे की मला इकडं करमत नाही आहे आणि त्यांना तिकडं करमत नाही आहे, त्यामुळं त्यांनी NDA मध्ये यावं आणि नरेंद्र मोदींच्या सोबत देशाच्या किसान शेतकऱ्यांचा विकास करण्यासाठी त्यांनी इकडे यावं अशा पद्धतीचं त्यांना आमचं निमंत्रण आहे. हाँ, तो मतलब मेरा अगर शिवसेना हमारे साथ नहीं आती है तो हमारे सामने दूसरा भी पर्याय ये है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिस अजित पवार साहब ने मतलब देवेंद्र फडणवीस साहब के साथ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस इधर नहीं आ सकती है. तो इसीलिए मुझे लगता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस अगर हमारे साथ आती है, अगर BJP RPI के साथ आती है, तो मुझे लगता है कि शरद पवार जी को और भी अच्छा बड़ा पद आगे भविष्य में मिल सकता है और नरेंद्र मोदी जी को एक बड़ा अच्छा मित्र भी मिल सकता है. तो इसीलिए मुझे लगता है कि मेरा राष्ट्रवादी कांग्रेस को भी आह्वान है कि देश के विकास के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए पवार साहब ने शिवसेना के साथ रहने से कोई फायदा नहीं है, उन्होंने BJP के साथ आना चाहिए. नाही, भेटीगाठीवर काही घेतल्या नाही आहेत, परंतु ठीक आहे, माझं मत आहे ते, माझं ते त्यांचं मत आहे असं मी म्हटलेलं नाही आहे. मला असं वाटतं की शरद पवारांनी इकडं यावं हे माझं मत आहे आणि त्याच्यावर त्यांनी विचार करावा. जसं मी मागच्या वेळेला सांगितलं होतं की राहुल गांधी अध्यक्ष म्हणाले तयार नाही आहेत, सोनिया गांधी अध्यक्षपद सोडण्याच्या तयारीत आहेत, मग अध्यक्ष करायचं कोणाला? म्हणून मी असं म्हटलं होतं की राष्ट्रवादी काँग्रेस काँग्रेसमध्ये विलीन करा आणि शरद पवारांना काँग्रेसचं अध्यक्ष बनवा, असे माझं मत मी मांडत होतो. नाही, मैं भाजपा को सलाह ही देना चाहूंगा की क्या शिवसेना तो अपने खुद से नहीं निकल गई, हमने उनको थोड़ा नहीं निकाला है, हम किसी को निकालते नहीं है. हम तो अकाली दल भी खुद गया है, अकाली दल का पूरा भेद किसानों पर है उनकी पार्टी, और कांग्रेस पार्टी ने किसानों को भड़काया था और इसीलिए मतलब उनको ना इलाज करते हुए उनको NDA छोड़ना पड़ा है. लेकिन कुछ दिनों के बाद वो NDA के साथ आएंगे और अगर ये दोनों ने साथ छोड़ा है, इसीलिए एक नए मित्र की हम साथ लेना चाहते हैं और वो मित्र है शरद पवार जी, तो उनकी साथ भी हमें मिल सकती है. आगे और भी कोई पार्टी हमारे साथ आ सकती है, बहुत सारी पार्टी है, बीजू जनता दल है, हमारा जगनमोहन रेड्डी का पार्टी है, ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं कि वो पार्टियां NDA के साथ आ सकती है. और अभी जगनमोहन रेड्डी आज दिल्ली में आकर अमित शाह साहब को मिलकर गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि जगनमोहन रेड्डी अगर ये दो गए हैं तो दूसरे दो लेने के चक्कर में हम लोग गए और इसीलिए दो कोई साथी हमारे साथ आ सकते हैं. अभी ये मामला CBI को अभी तक देने की मांग नहीं है, अभी मुंबई पुलिस क्या करते देखते हैं. अगर मुंबई पुलिस को कोई यश आया नहीं, जिस तरह हमने दिशा सालियन के मृत्यु की इंक्वायरी CBI द्वारा करने की मांग हमने की है कि दिशा सालियन के घर में उसी दिन पार्टी थी और वो पार्टी के टाइम पर कैसे आत्महत्या कर सकती है, उनके पास कोई सुसाइड नोट नहीं है, आत्महत्या का कोई पत्र उनके पास नहीं है, तो उनके घर में पार्टी उन्होंने बुलाई है, तो वो कैसा जम मारकर मर सकती है, इसीलिए उनको किसी ने फेंका होगा,
14 माले से, ऐसी अभी शंका है। लेकिन मुंबई पुलिस ने फौरन ही उनका मतलब बॉडी देखा, वो बॉडी में पूरे कपड़े भी नहीं थे, तो इसका मतलब उनके ऊपर अत्याचार करके उनकी बॉडी ऊपर से फेंकी होगी, ना कि अपनी बदनामी ना हो। तो उसकी मुंबई पुलिस ने ठीक इंक्वायरी तो नहीं की, एकदम बोला कि आत्महत्या है तो आत्महत्या है, क्यों उनके पास सुसाइड नोट थी क्या, उनकी पार्टी थी तो क्यों मतलब आत्महत्या करेगी। ये सवालों पर मुंबई पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। मुंबई पुलिस बहुत बड़ी एक्सपर्ट है, पर मुंबई में कोई एक मर्डर अगर एक आदमी का होता है तो 24 घंटे में 48 घंटे में वो आरोपी को पकड़ कर जेल में डालते हैं। लेकिन ये केस में ऐसा नहीं हुआ, सुशांत के केस में भी ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि फाइल के संबंध में उनकी इंक्वायरी पुलिस ने जल्दी जल्दी करनी चाहिए, और नहीं अगर पुलिस करेगी तो सीबीआई के पास इंक्वायरी की मांग हमको करनी पड़ेगी। ने ये भी कहा था कि दिशा सालियान ने 100 नंबर पर फोन भी किया था, लेकिन मुंबई पुलिस ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। हाँ, तो मतलब जिस तरह ये जानकारी है कि कुछ लोग अंदर जा रहे थे, बाहर आ रहे थे, और उनके ऊपर शायद उनके मास्टर बेडरूम में अत्याचार हो रहा था, तो जब उन लोगों ने कुछ ऐसा एक किया होगा, तभी 4-5 लोगों ने मिलकर उनको आवाज़ वगैरह करने का मौका नहीं दिया होगा, और फिर उन्होंने 100 नंबर को फ़ोन भी किया, लेकिन तब मुंबई पुलिस आई नहीं। जब वो उनका बॉडी नीचे मिला तब मुंबई पुलिस आई, तब मुंबई पुलिस को खबर थी कि उनके घर में पार्टी थी करके, इसीलिए हमारा डाउट है कि भाई उनका भी हत्या हुई है, और उनकी हत्या सुशांत सिंह राजपूत की हत्या से भी निगड़ित हो सकती है। इसी तरह मुझे लगता है कि जब सुशांत को मालूम हुआ तो उनको डर लगा था कि भाई मेरा कैसा हो तो हो सकता है क्या, और ऐसा ही हुआ। मतलब 6 दिन के बाद 14 तारीख को 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई। अभी आत्महत्या बोल रहे हैं, लेकिन सीबीआई ने जल्दी जल्दी इंक्वायरी करनी चाहिए। और जो फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस है जो ड्रग ले रहे हैं अभी, मतलब एनसीबी की इंक्वायरी बहुत ज़्यादा चल रही हो, चलने दो, लेकिन सुशांत के मर्डर की या सुशांत की आत्महत्या की जो इंक्वायरी है, ये सीबीआई ने जल्दी जल्दी पूरी करनी चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। माय क्वेश्चन इज फॉर फायर। अरे इनको पूछो। हां, फायर। हां फायर जी, हाउ डू यू कम आउट एंड लुक एट दिस? यू हैव बीन सो वोकल, यू केम आउट इन पब्लिक, यू स्पोक अबाउट व्हाट यू हैव अंडरगॉन। इट्स एन अनफॉर्चूनेट पार्ट दैट येट देयर इज नो एक्शन दैट हैज बीन टेकन ऑन मिस्टर कश्यप। क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सेव मिस्टर कश्यप इन सम और अदर वे, एंड दैट्स द रीजन व्हाई यू आर नॉट गेटिंग जस्टिस? See, Mumbai has been very well known for protecting women, and मैं इतने सालों से मुंबई में हूँ, हमेशा safe feel की हूँ मुंबई में। Police मुझे cooperate कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई ऊपर से या कोई influential लोग उनको दबाव में डालेंगे तो उनके हाथ में कुछ नहीं रहता। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस विद पुलिस इज दे आर कोऑपरेटिंग मी, दे आर वेरी नाइस टू मी, बट कभी कभी उनके हाथ की मतलब उनमें नहीं रहता है चीज़। इट गोज इफ ही गेट्स लाइक एनी अदर एन इन्फ्लुएंशियल पीपल प्रेशराइज देम, देन दे कैन नॉट डू एनीथिंग। आपको एक बार रिप्लाई करना चाहती हूँ, इनको बोलो मैजिस्ट्रेट के पास आपने जो बताया, हमने मांग रखी है कि मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए मैजिस्ट्रेट के सामने, ये हमने मांग रखी है पुलिस के सामने। देखिए, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, जब 376 लगा हुआ है तो अभी तक एक्यूज्ड जेल में क्यों नहीं है? वो खुल रहा है, मैं सुबह से रात तक कभी हॉस्पिटल में, कभी पुलिस स्टेशन में, कभी इधर कभी उधर क्वेश्चनिंग, सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, लेकिन जो एक्यूज्ड है वो आराम से घर पे बैठा हुआ है। और पता, उनको शायद ये भी फील होगा कि मेरे साथ लोग हैं जो ये चीज़ वो कुछ दिन भौंकेगी, कुछ दिन बोलेगी, कुछ भी होगा फिर कल हम दबा देंगे, तो चुपचाप वो आराम से बैठे हुए हैं। होम मिनिस्टर अनिल देशमुख को मिलना चाह रही हैं? एक्शन नहीं हुआ अब तक। हाँ जी, वो मेरे जो लॉयर है वो हम लोग डिसाइड करेंगे, और आगे भी क्या करना है वो हम लोग सोच रहे हैं, आगे कैसे जाना है इनसे बात कीजिए। इनका पायल जी का स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट के सामने अंडर सेक्शन 164 दर्ज किया जाने वाला है। हमने रिक्वेस्ट किया था 2 दिन पहले पुलिस को, तो उन्होंने सैटरडे को शायद उसका लेटर जारी किया है, आज कोर्ट में पहुंचा है, और उनकी तारीख तय होगी आज, इनको कब मैजिस्ट्रेट के सामने जाके इनका बयान दर्ज करना है। हम अभी 22 तारीख को हमने FIR दर्ज की थी बलात्कार की, और उसके बाद दूसरे दिन पंचनामा वगैरह सब इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ। लेकिन हमने शुरुआती तौर पर मैंने कहा था कि हम पुलिस को सिर्फ 7 दिन का टाइम देंगे, 7 दिन का समय सफिशियंट होता है पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए। हम लगातार मांग कर रहे हैं,
अभी तीन चार दिन जब एफआईआर हुआ उसके तीन चार दिन के बाद हम तब तक चुप रख बैठे हैं, लेकिन अभी समय खत्म हो गया, सात दिन हो गया, आज छठा दिन है, कल सातवां दिन है। हमने पुलिस को बोला था, लगातार बोल रहे कि उसको गिरफ्तार करो, पायल की जिंदगी खतरे में है। उन्होंने ट्वीट किया था कुछ दिन पहले, ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा था कि अगर मेरी बॉडी लटकी जाती है तो उसको आत्महत्या नहीं माना जाए, उसको खून माना जाए, ऐसा कहा था। यानी कि उसको इतना डर लगा है बाहर घूमने के लिए, मैं भी उनके साथ घूमता हूँ, मेरी भी जान को खतरा है, ऐसा उन्होंने कहा था बीच में। मैं भी फील कर रहा हूँ, मेरे बॉडीगार्ड लेके आया हूँ आज, पर्सनल बॉडीगार्ड। अगर सरकार अभी हमारी मांग एक्सेप्ट करके देती है तो हम बाहर निकल सकते हैं, जो भी कानूनी कार्रवाई है हम कर सकते हैं। पुलिस सही तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी तो मैं बॉम्बे हाईकोर्ट जाऊँगा, प्रॉपर डायरेक्शन ले लूँगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। नहीं तो हमारे पास दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरा सीबीआई के पास इंक्वायरी के लिए, वो भी हम जा सकते हैं। सर जी ने आठवले साहब ने अभी तो थोड़ी देर पहले बोला, थोड़ा हमें थोड़ा वेट करना चाहिए कि पुलिस का क्या करिए, थोड़ा समय देना चाहिए, क्योंकि छः दिन हुआ है, थोड़ा एक सफिशियंट रिजनेबल टाइम हम उनको देंगे तो उसके बाद पता चलेगा पुलिस क्या कर रही है। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। जैसा पायल जी ने थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं करे जुटाकर, यानी कि मैं धैर्य जुटाकर अभी सामने आई हूँ, मेरा करियर दांव पे लगा है, चाहे इसके बाद उनका करियर का क्या होगा उसे उनको भी पता नहीं, ये सब दांव पे लगाकर वो आगे आई है। उन्होंने एफआईआर दर्ज किया है, एक बड़ी हस्ती है फिल्म इंडस्ट्री की, अनुराग कश्यप बड़े डायरेक्टर है, बड़े निर्माता है, और उन्होंने ये इनके साथ जो कुकर्म किया है उसके बारे में, उनकी जो आज हिम्मत हुई है, उनकी जो आवाज़ पाँच साल से दबाई गई थी तो आज आवाज़ बाहर निकली है, तो आज इस आवाज़ को बुलंद होना चाहिए। और उन्होंने आह्वान किया था सारी महिलाओं को कि जो भी सारी महिला है जो मीटू मूवमेंट के बाद जब जा गई थी, जिनके साथ अच्छा अत्याचार हुआ था वो सामने आ रही थी, लेकिन ये पुलिस का ऐसा बर्ताव या ऐसी असफलता ये पुलिस केस में अगर मिलती है तो कोई भी महिला सामने नहीं आएगी, क्योंकि उनको मालूम है एक तो उनकी शिकायत दर्ज नहीं की जाएगी, अगर शिकायत दर्ज भी हुई तो पुलिस उसमें गिरफ्तारी नहीं करेगी, अगर गिरफ्तार भी किए तो सबूत नहीं जुटा पाएंगे, बाद में एक केस को आरोपी को क्लीन चिट मिलता है, समरी रिपोर्ट भी यानी बी क्लासिफिकेशन या सी क्लासिफिकेशन कोर्ट में फाइल होता है, आरोपी बेदिक्कत निकल जाता है और उसके खिलाफ कोई एक्शन होती नहीं। तो ये काम होता है पुलिस एजेंसी का कि जब कोई शिकायतकर्ता महिला सामने आए उसको सही तरह से उसके रिस्पेक्ट के साथ उसके साथ बात करें, उसकी शिकायत दर्ज करें। आप मीडिया कर्मियों ने सब हमारे मित्र हैं, आपने देखा होगा पहले दिन जब पुलिस थाने ओशीवाला थाने में हम गए थे उस तरह उस दिन पुलिस कैसे बर्ताव कर रही थी, इतने रात को 2 बजे तक हमको बिठा के रखा, उस दिन भी हमको हरेसमेंट हुआ था, यहाँ पर वर्षों में हमारी शिकायत दर्ज हुई, उसके दूसरे दिन तीसरे दिन दोपहर को 3 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक, यानी कि 7 घंटा अस्पताल में इनको बिठाया गया। वो उस दिन काफी नहीं हुआ तो दूसरे दिन इनको फिर से बोला, फिर 7 घंटा बिठा के रखा। तो मेडिकल टेस्ट के लिए एक महिला को ये हरेसमेंट है, एक तो उसकी शिकायत को लेता नहीं, शिकायत देने के लिए पुलिस स्टेशन जाओ, अपनी इज्जत को दांव पे लगा कि जाने के बाद वो शिकायत दर्ज होती है, फिर अस्पताल में जाना पड़ता है, उसको मेडिकल एग्जामिन फेस करना पड़ता है, और वो भी एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन, 2 दिन के बाद फिर से इनको कल बुलाए इनको, कल उनको 7 घंटा बैठाएंगे, तो ये कहाँ का न्याय है, फिर ये कहाँ का हरेसमेंट है। मैंने दूसरे भी अस्पताल में मैंने बहुत सारे क्रिमिनल ट्रायल चला है, दूसरे अस्पताल में भी मेडिकल होता है, एक दिन में जो जांच करके जो विक्टिम होती है उनको एक सुखद अनुभव होना चाहिए, वहाँ पर एक अच्छा फील होना चाहिए, कम्फर्टेबल फील होना चाहिए। तो ये मतलब महाराष्ट्र में जिस तरह सुशांत सिंह राजपूत के प्रकरण से ऐसा लग रहा है कि भाई कानून से हमारा विश्वास उठ रहा है, कानून तो है, बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान दिया है और संविधान के मुताबिक हम लोग काम करना चाहते हैं, सरकार कोई भी हो, सरकार ने पुलिस ने जो वर्दी पहनी है तो पुलिस ने वर्दी का अपमान नहीं करना चाहिए, कोई भी ऊपर से दबाव लाएगा तो भी उन्होंने इसका नहीं मानना चाहिए। अगर हम भी बहुत बार मेरे पास कार्यकर्ता आते हैं और वो बोलते हैं भाई हमको ऐसा अरेस्ट किया है, लेकिन पुलिस बोलते हैं नहीं नहीं उन्होंने चाकू मारा है किसी ने हमको अरेस्ट किया है, तो हम ज़्यादा नहीं बोलते, हम उनके ऊपर ऐसा दबाव नहीं डालते हैं। तो सरकार ने भी दबाव नहीं डालना चाहिए या किसी ने भी दबाव नहीं डालना चाहिए। जिस तरह अभी मैंने मांग किया था कि जो ड्रग लेने वाली जो फिल्म एक्ट्रेस और एक्ट्रेस है तो खाली फिल्म एक्ट्रेस के नाम आ रहे हैं, फिल्म अभिनेता के नाम नहीं आ रहे,
बाकी अभी करण जौहर का नाम आया है, लेकिन उनके ऊपर हम ऐसा अन्याय होगा ऐसा हम नहीं चाहते हैं, लेकिन करण जौहर के पार्टी में अगर ड्रग का यूज हुआ होगा, अगर वो एनसीबी के पास जानकारी होगी तो एनसीबी किसको छोड़ने वाली तो नहीं है, चाहे वो कोई भी पकड़ा आदमी हो, तो अभी भी एक निर्माता को शायद पूरी एनसीबी ने पकड़ा है। और मैंने मांग किया है कि जो ड्रग पिएगा, जो ड्रग लाएगा, जो ड्रग पिएगा, जो ड्रग मतलब बेचेगा, तो ऐसे लोगों पर, ऐसे फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस पर फिल्म में काम नहीं देना चाहिए। हम सभी निर्माताओं को मांग करते हैं, डायरेक्टर को मांग करते हैं कि ऐसा ड्रग लेने वालों को फिल्म में काम नहीं मिलना चाहिए, तो अगली पीढ़ी सुधर जाएगी, अगले जो फिल्म एक्ट्रेस एक्ट्रेस सुधर जाएगी कि अगर हमें हम ड्रग लेंगे तो हमको काम नहीं मिलेगा। तो ये मेरी मांग है कि, और सरकार ने भी मतलब अभी ये तो काम किसको देना है वो तो उनका अधिकार है, लेकिन अगर ऐसा काम उनको देंगे तो उसका फिल्म का शूटिंग जो है बंद करने का काम मेरे पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। ऐसे लोगों को काम नहीं देना चाहिए, ऐसा हमारा मांग है। हाँ, तो मतलब जहाँ दलित पर अन्याय होता है तो मेरे जहाँ जहाँ कार्यकर्ता पूरे देश भर में है, जहाँ भी महिला पर अन्याय हो या किसी भी आदमी पर अन्याय हो, मेरी पार्टी दलित की पार्टी नहीं है, मेरी पार्टी सब जाति धर्म की पार्टी है, और मैं भी खड़ा रहूँगा जो मतलब मेरे पार्टी के कार्यकर्ता। हाँ तो ठीक है, मैं उनको भी मिलूँगा, मैं जहाँ जहाँ अन्याय होता है वहाँ मैं जाता हूँ, और ऐसा अन्याय होता है तो जिन्होंने अन्याय किया है उनको पकड़ने की मांग मैं करता हूँ, उनको मैं जेल में डालते हैं। तो हमारी भूमिका हमेशा न्याय की रहती है, अन्याय की भूमिका हमारी नहीं रहती है। अच्छा पायल, आपसे एक सवाल है, क्या अभी तक आपने कोई थ्रेट रिसीव किया है, किसी का धमकी भरा फोन आया या कुछ आया? देखिए, एक तो मैं आई एम नॉट टेकिंग कॉल्स बिकॉज देर आर मेनी इन्यूमरेबल कॉल्स आर कमिंग विच आर नॉट सेव्ड इन ऑन माई फोन, सो आई एम नॉट टेकिंग कॉल्स। लेकिन एज सच मैंने जो बाहर से फील किया, जो मेरे दोस्त, जो उनके करीबी लोग हैं, जो मेरे भी दोस्त हैं, उन लोगों ने मुझे बार बार बोला है पायल घर से अकेले नहीं निकलना, नीचे तक तुम नहीं जाओगे अकेले, और बहुत केयरफुल रहना है क्योंकि यू नो व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे आर अ काइंड ऑफ माफिया गैंग। एंड एवरी टाइम माई डैड सेड कि तुम कलकत्ता चले आओ, मैंने बोला नहीं, बॉम्बे बहुत अच्छे हैं और मेरे साथ रामदास जी जैसे लोग हैं, वो हमें सुरक्षा प्रदान करेंगे और मेरे साथ खड़े हैं, और मुझे इसको लड़ना है, मुझे भागना नहीं है। देखिए, तब से मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, कोई भी एक्ट्रेस है जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, उनका पर्सनल थिंग है, शायद उनके साथ कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन मैंने मेरे साथ जो हुआ है मैं वो एक्सपीरियंस आपके सामने रखी हूँ, जो मेरे साथ हुआ, जो मैं इतने सालों से अपने आप अंदर लड़ रही थी जिस चीज़ से, उसको मैं सामने रखी, शायद उनके साथ कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है, वो मुझे जानते भी नहीं, वो उनके फ्रेंड है, वो फ्रेंड को सपोर्ट करेंगे कि मुझे सपोर्ट करेंगे, ये उनका कोई दोष नहीं है, ये हो ही सकता है, दैट्स वेरी मच कूल। थैंक यू, थैंक यू, आभार माना।